असलम वेलकम बैक टू अन ब्लॉग होप्स वेल एंड शुक्र अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैंने सोचा आज़रा ब्ग जो है वो कुछ डिफेंट ट्राई करते हैं ये सुबह ही सुबह का वैसे तो हैर टाइम था आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी तो नहीं थी है ज़रा उन्होंने लेट जाना था अपनी जॉब पर तो बस मार्किट जो है वो मैनेज करना मतलब आ, खाने पीने का सामान मैनेज करना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि संडे को इन्हें छुट्टी होती है संडे को सब कुछ बंद होता है तो या तो फिर जिस दिन उन्होंने लेट काम शुरू करना उस दिन फिर मार्केट वगैरह चीज़ें लेने चले जाते हैं अदरवाइज़ फिर जब छुट्टी होती है जिस दिन जल्दी कर लें उस दिन फिर लेने चले जाते हैं तो आज इनके पास जरा टाइम था तो सुबह ही सुबह बच्चों को किन्ंडा गार्टन ड्राप करने के बाद चले गए थे सुपर मार्केट और उधर से लाए कुछ घर की चीज़ें मतलब जो डेली यूज़ का सामान होता है अब मैंने क्या आपको बताना है वही आपको चीज़ें जो नज़र आ रही हैं डेली रूटीन में फ्रूट्स uh, वगैरह कुछ वेजिटेबल्स वग़ैरह और बाकी घर में जो भी खाने पीने का सामान चाहिए होता है तकरीबन जो सभी अपने घर में लाते हैं वही सारी चीज़ें हम भी लेके आते हैं तो आप देखें ये छोटा मोटा सामान और खैर आज तो मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा था सुबह से लेके शाम तक, तक तकरीबन सेकंड टाइम हो ही गया था चार तीन चार का टाइम बच गया था जब मैं घर वापस आई थी और जिस दिन आपकी तरमीज वगैरह होती हैं ना अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं उस दिन बहुत टाइम आपको लग जाता है मतलब आ, सारा दिन ही तकरीबन आपका बाहर गुजर जाता है और आज मेरी थी अपॉइंटमेंट और उसके बाद फिर मैंने आना था शॉपिंग मॉल में मुझे कुछ काम था तो मैंने उधर भी मस्ट जाना था मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके बाद फिर आ, लेट हो जाना था तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले तो जाना था डॉक्टर के पास और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इधर आपको आपकी मर्जी नहीं होती है जितना जितनी दफ़ा आपको डॉक्टर्स बुलाते हैं आपने मस्ट जाना होता है ये नहीं होता कि आप स्किप कर दें बल्कि आपको फॉलो करना पड़ता है डॉक्टर्स की इन इंस्ट्रक्शनस को तो वो तो बिल्कुल स्किप करने वाली बात ही नहीं थी और दूसरा जो काम था वो भी बहुत ज़रूरी था मेरा जाना तो मैंने सोचा सबसे पहले ये जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे कुछ ग्रॉसरी वगैरह इनको मैं समेटती हूँ और समेट के जाऊँगी और आज हस्बैंड ने ज़रा लेट करना था काम स्टार्ट तो पहले फिर नाश्ता वगैरह किया नाश्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि तकरीबन पिछले दो ब्लॉग्स में मैं आपको नाश्ते ही दिखा रही हूँ तो मैंने सोचा कि चले आज नाश्ता स्किप करते हैं और ये जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी है आप ये देखें और इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट जो है वो बैठ जाएंगे कार में आपको भी मैं अपने साथ ही बिठाऊंगी और फिर चलेंगे हॉस्पिटल और हस्बैंड जो कि चूँकि आज घर ही थे तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ और आप लोग अगर जल्दी फ्री हो गए तो फिर मैं आपको वापस भी ले आऊँगा और उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट करना था काम तो इधर हम लोग जी निकल चुके हैं कुछ और भी काम थे छोटे मोटे तो बस वो भी रास्ते में करते गए और जब आप एक दफ़ा निकल जाते हैं ना घर से तो आपको तो खैर सारे ही काम वो दिल दिलचार होता है कि ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और काम और तरमीज़ आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं और जर्मनी में तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही तरमीज़ होती हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं और मौसम आइल के लिए अच्छा ही था खैर आजकल ज़्यादातर अच्छा ही मौसम है आ, लेकिन कि आजकल ज़रा ठंडी हवा चल रही है फिर से साथ तो जैकेट्स वगैरह स्पेशली बच्चों ने तो लाजमी पहननी होती है आपको पता है बच्चों पे बहुत जल्दी मौसम का असर होता है और बड़ों पे भी खैर वैसे ऐसा मौसम जो है ना दो दिन ठंड है और फिर गर्मी स्टार्ट हो रही है तो ये बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है और इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे समझ नहीं आ रही होती ऐसा भी हो रहा होता है कि सुबह का ठंड होती है फिर अचानक से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है फिर जी अचानक से लो हो जाता है मतलब दिन में एक दफ़ा बादल बारिश फिर मतलब सूरज जब निकलता है तो हाई हो जाता है टम्परेचर तो अजीब मौसम ने इस ना हरकतें शुरू की हुई हैं कुछ समझ नहीं आ रही कि कपड़े कौन से पहनने हैं सुबह कौन से शाम को कौन से मतलब क्या बंदा कपड़े पहना के बच्चों को भी भेजे अच्छा जी इधर हम लोग पहुंच गए थे डॉक्टर के पास और मेरे हस्बैंड को कोई और काम था तो वो उधर चले गए मैंने सोचा चले मैं इतने में इधर से फ्री हो जाती हूँ तो फिर मिलके वो हमें घर ड्रॉप कर देंगे और चले जाएंगे अपनी जॉब पे अच्छा जी इधर फिर जी लिफ्ट में घंटा तो हमने ये इंतज़ार किया लिफ्ट का क्योंकि काफ़ी हैं फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में तो काफ़ी टाइम लग जाता है लिफ्ट को ऊपर नीचे आने में तो फाइनली इधर हम लोग पहुंच गए थे डॉक्टर के पास वैसे काफ़ी दिनों बाद आज मेरी अपॉइंटमेंट थी वैसे तो एवरी वीक ही मुझे डॉक्टर बुला रही थी लेकिन पता नहीं कैसे उसको मुझ पर रहम आ गया और उसने अब जरा गैप देना शुरू कर दिया और इधर उन्होंने स्पेशल एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए हर जगह ही आपको इधर जर्मनी में इटली का तो मुझे नहीं याद नहीं है सही से क्योंकि उधर काम ही हॉस्पिटल में जाया करती थी इतना टाइम ही मतलब इतना काम ही नहीं होता था मेरा हॉस्पिटल वाला तो अब तो बच्चों हैं बच्चे हैं और उसके बाद फिर वैसे अपने भी मसले मिसाइल चलते ही रहते हैं कोई ना कोई तो इधर पहुंच गई थी मैं और ये आपको कोई दिखा देती हूँ मैं हॉस्पिटल का सिस्टम देख लें आप <laughs> कि कैसा होता है और जी अपार्टमेंट से फ्री होने के बाद फिर हस्बैंड भी फ्री हो गए और उन्होंने हमें छोड़ा घर और ये था हमारे घर का रास्ता हम लोग जा रहे थे घर और वापसी पे मैं एक दो और मार्केट्स भी गई थी लेकिन टाइम इतना शॉर्ट होता है ना कि आपको वीडियो बनाने का बिल्कुल फिर वो कई दफ़ा टाइम नहीं मिल रहा होता बच्चे भी होते हैं तो दिल यही चाह रहा होता है कि बंदा जल्दी से घर पहुँचे अच्छा आप ये मेरी रूटीन देखें मैं आ जाती हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ कि हम किसी को खुश क्यों नहीं देख सकते हम क्यों किसी की खुशियों में इतना इंटरफेयर कर रहे होती हैं हम क्यों किसी को दुआ नहीं दे सकते मैंने अक्सर देखा है कि वैसे तो लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे होते लेकिन अगर उन्होंने कोई करना है ना कमेंट तो वो ढूंढ 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 के अंदर से नुस निकाल के नेगेटिव कमेंट कर देते हैं आ, सब ही तकरीबन सभी ब्लॉगर्स के साथ ऐसा होता है जो भी सोशल मीडिया पर हैं सब साथ ऐसा होता है तो मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को कौन सा कीड़ा है जो बैठने नहीं देता अभी रिसेंटली पलवशा की आ, बेटी की शादी थी और पहले तो खैर बहुत अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने अपनी बेटी की पिक जो है वो रिवील नहीं की क्योंकि अगर लोग उन्हें अभी ऐसे ही जीने नहीं दे रहे तो पिक्चर के साथ तो आपको पता है आजकल जैसा दौर चल रहा है एडिटिंग इतनी इतनी हो जाती है और एआई का दौर चल रहा है बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि फ़ेक कौन है रियल कौन है तो इतना कुछ लोग एडिटिंग जो है ना वो कर देते हैं तो एक तो ये क्यों ना ये दुख कि उनकी बेटी की शादी थी ऑब्वियसली और मुझे लगता है ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी अपनी बेटियां होती हैं जो जिन्होंने अपनी बेटियों को ये फ़र्ज़ अदा किए होते हैं कि ये कितना मुश्किल वक्त होता है कि जब किसी की बेटी की शादी होती है एक तो उनकी बेटी उनसे दूर जा रही होती है और दूसरा मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि वो सोशल मीडिया पे आई हैं ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लाइफ शो की हुई है तो लोग कुछ तो कहेंगे लेकिन मैं कहती हूँ कुछ मौके होते हैं ऐसे कि हमें नहीं ऐसा करना चाहिए जैसा कि अभी उनकी बेटी की शादी थी तो उन्हें नहीं करना मतलब लोगों को नहीं करना चाहिए उन्हें इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए इतना परेशान नहीं करना चाहिए और मैं तो अक्सर ही खैर उनकी ये बेटी की शादी के ब्लॉग्स भी मैंने देखे हैं और मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा काफ़ी के लोग जो है उन्हें कह रहे हैं कि अपनी बेटी की पिक्चर दिखा दें हमने देखने अच्छे लोग भी हैं जो उन्हें दुआएँ भी देते हैं तो उन्होंने इस बात का अप्लाई किया था कि मैं नहीं कोई तमाशा चाहती अभी मैंने शेयर नहीं की तो ये हाल है अगर शेयर कर देती तो पता नहीं कि दुनिया मेरी बेटी के साथ क्या करती तो वाकई ये बात है और अगर वो सोशल मीडिया पे आई हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर किसी को लाइसेंस मिल गया है कि वो उनको जलील करने लग जाएं और फिर इतने फ़िक्रे कसे जा रहे हैं उन पर बेटी की शादी इन्होंने गैर मुस्लिम के साथ कर दी है आपको क्या पता आप कितने अच्छे मुस्लिम हैं आप अपने अंदर तो झाँक के देखें और मुसलमानों को तो बिल्कुल ये जेब नहीं देती बातें कि किसी को इतना हर्ट करना किसी को इतना दुख देना वो वैसे इतनी परेशान होंगी कुछ लोगों की बातें जो हैं वो सुन सुन के पता नहीं उनका दिल कितना और परेशान होता होगा और कहते हैं किसी की आह नहीं लेनी चाहिए किसी की बद नहीं लेनी चाहिए किसी को इतना नहीं तंग करना चाहिए कि वो आपका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो पड़े तो आप क्यों किसी को इतना परेशान कर हो सकता है ये जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कोई किसी का कमेंट पढ़ के उनका दिल दुख जाए और वो आपको बदवा दे दे तो बदवा लेने से डरा करें यार क्या मिलता है आप सबको ये सब कुछ करके मैं खुद ये कितने दिनों से और एक तो चैनल है जो आजकल काफ़ी वायरल जा रहा है जो रिएक्शन देती हैं वो ना व्लॉग्स भी अब मुझे याद नहीं आ रहा उनके चैनल का नाम क्या मेरे सामने भी उनकी वीडियो आई है ओबियसली जब किसी की वीडियो वायरल हो रही होती है तो वो फिर हर जगह आपको ना शो हो रही होती है सब कुछ हो रही होती है होम पेज पे शो हो रही होती है यूट्यूब पे तो उन्होंने तो बिल्कुल अपना फ़र्ज समझ लिया है ना पहले तो वो इनके पीछे पड़ी ही रही हैं कभी किसी के पीछे पड़ जाती हैं और इतना इतना वो बोलती हैं इतना वो बोलती हैं और उनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं मतलब पहले तो नहीं थे अब जब से उन्होंने पल विशा पे वीडियो बनाना शुरू की है ना तो ऑब्वियसली लोग जानते हैं उनको और इसलिए इंटरेस्ट लेके उसकी भी वीडियो देख रहे हैं कि ये क्या कह रही है तो बहुत मुझे बुरा लगा उनका चैनल देख के और मुझे लगता है हम सबको उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए ताकि कोई लाइसेंस नहीं उन्हें मिल गया और हम अल्लाह को जवाब दें इंसानों को जवाब देनी है अगर पलवशा सामने आ रही हैं या मतलब वो कुछ अपनी बेटी को ला रही हैं अपनी फैमिली को वो अल्लाह को जवाब दें आप अपने गरीबान में झांकें मुसलमानों को ये जेब नहीं देती ये बातें जो ये दुनिया में हो रहा है खैर मेरा मकसद बिल्कुल किसी को हर्ट करना नहीं है मुझे भी ये बातें बहुत बुरी लगी तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए हम सबको इस पर बोलना चाहिए कि यार जीने दो क्यों नहीं जीने देते इतने मसले होते हैं दुनिया में घर में तो ये बाहर वाले भी जीने नहीं दे रहे अगर हम अपना टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं सोशल मीडिया पर तो क्यों नहीं हमें जीने दिया जा रहा मुझे तो ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर हैं अच्छा जी मैं तो पहुँच गई थी अपने घर सारे काम वगैरह मैंने अपने ख़त्म किए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़